हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्लान चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 100 क्वेश्चन तक जो हम पहली वीडियो में कर चुके हैं उससे आगे देखते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में किस जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है? ट्रैक्टर बनाने का कारखाना कहाँ पर है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? तो आंसर होगा 34% जनसंख्या वो नगरों में रहती है। हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर है अंबाला। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फिरी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला देखिए, 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहां पर हुआ था? करनाल में हुआ था कल्पना चावला का जन्म। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में श्रोरों में स्नान तथा पितरों की सदगति के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो ये कहाँ पर होते हैं? ये होता है पेहवा मेले में। हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिश उपनामों से जाना जाता है वो है करनाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, इसको उस तरीके से पूछ सकते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ पर दिया था? तो वो दिया था कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ पर। ठीक है, गुलाम शाशिका रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पर है? कैथल में। हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो आंसर होगा 90। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान आता है? तो आंसर है 16वां। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल कहाँ पर है? राय सोनीपत में है ये। हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला भी है? तो आंसर है संतोष यादव। राज्य का वन्य प्राणी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले में है? गुड़गांव में है ये। अगला देखिए, हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? राज्य खेल है हरियाणा का कुश्ती। हरियाणा का राज्य पशु नीलगाय। किस पक्षी को हरियाणा के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है? तो वो है काला तितर। तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ पर है? करनाल में। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CSSRI हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है करनाल में। नेक्स्ट देखिए, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आंसर है सिरसा में है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जो है वो है हिसार में। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये हुई थी 1970 में। चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में है? ये है हिसार में। नेशनल रिसर्च ऑन इक्वाइंस NRCE किस जिले में स्थित है? तो ये है हिसार में। फिर है NDRI मीन्स नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, साथ साथ इनकी फुल फॉर्म याद रखिए, वो पूछ सकते हैं आपसे। हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। उसके अलावा NDRI की स्थापना वो हुई थी 1955 में। हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा होता है? तो आंसर होगा करनाल और कुरुक्षेत्र में। ठीक, हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती है? तो रोहतक ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। ठीक है, सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोहना कुंड कहां पर है? गुड़गांव में है। हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ और किस माह में होता है? तो ये होता है हस्तशिल्प मेले का आयोजन सूरजकुंड फरीदाबाद में फरवरी में, 1 से 15 फरवरी। ठीक है, राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 45 सेंटीमीटर। राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक की पहाड़ियां स्थित हैं? शिवालिक की पहाड़ियां जो है वो है पूर्व में। ओके, आगे देखिए, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल। मारुति कारों का निर्माण हरियाणा में कहां पर होता है? गुड़गांव में। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस JC शाह। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहां पर दिया था? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया था? 1970 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? करनाल में। हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है हरियाणा में। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है हरियाणा में? चौधरी बंसी लाल।
हरियाणा का कौन सा नेता तीन राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा है? वो है तैयब हुसैन। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? खंडवा कहलाती है। सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का क्या नाम है? भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। अगला देखिए, कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है? तो आंसर है इसका, पानीपत को बुनकरों की नगरी कहा जाता है। हरियाणा में कितने मंडल है? अब चार नहीं, अब छह मंडल है हरियाणा में, तो याद रखिए छह मंडल है। हरियाणा में राज्यसभा की सीटें हैं पांच, लोकसभा की जो है वो है दस, दोनों याद रखिए, राज्यसभा में पांच और लोकसभा में दस है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? 1967 में। मेवात जिले का मुख्यालय ये है नूह में। हरियाणा में छड़ी नृत्य किस त्योहार से जुड़ा है? हरियाणा में छड़ी नृत्य जो है वो गुगा नवमी से जुड़ा है। मंजीरा नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र से जुड़ा है? मेवात से। उसके बाद देखिए, कानोड किसका पुराना नाम है? कानोड जो है वो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ पर स्थापित की गई? रेवाड़ी में। हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? लाला मुरलीधर। हरियाणा के किस राजनेता को दो बार कार्यवाहक मंत्री बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? गुलजारी लाल नंदा को। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा में कहां पर हुआ? गुड़ियानी रेवाड़ी में। पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार, तो वो थे सर शादीलाल। जाट गजट समाचार पत्र किसने निकाला था? ठीक है, तो जाट गजट समाचार पत्र जो है वो निकाला था चौधरी छोटू राम ने। ओके, अगला देखिए, 1857 की क्रांति की हरियाणा में शुरुआत कहां से हुई थी? अंबाला से। राव तुलाराम कहां के शासक थे? रेवाड़ी के, ये भी पूछा गया है। राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच युद्ध कहां हुआ? नसीबपुर नारनोल के समीप। हरियाणा का लोक संपर्क विभाग कौन सी पत्रिका निकालता है? हरियाणा संवाद। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका कौन सी है? हरियाणा खेती। हरियाणा में प्रसिद्ध सरस्वती शुगर मिल कहां पर है? ये है यमुनानगर में। किस राज्य के साथ हरियाणा का सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद है? हरियाणा का सतलुज यमुना लिंक कहां किसके साथ है? पंजाब के साथ। सतलुज यमुना लिंक नहर की कुल लंबाई कितनी है? 212 किलोमीटर। राव तुलाराम की मृत्यु कहां हुई थी? काबुल में। 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? आंसर है कपिल देव। हरियाणा में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहां पर है? यह है पिंजौर में। हरियाणा में गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई? पिंजौर में। अगला देखिए, हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? दो राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेशर। ठीक है, सुल्तानपुर कहां पर है? गुड़गांव में, और कलेशर कहां पर है? यमुनानगर में। तो दोनों याद रखिए, दो राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पंचकुला में। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? भिंडावास जो है वो है झज्जर में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर न्यूनतम है? सबसे कम किसकी थी? 54% मेवात की। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? लिंगानुपात सर्वाधिक है मेवात का। हरियाणा के किस राजनेता को भारत का उप प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो वो थे चौधरी देवीलाल। अगला देखिए, हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहां स्थापित हुई? अंबाला में 1886 में। अगला देखिए, 1888 के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में किसने हिसार कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? लाला लाजपत राय ने। शिव शंभू के चिट्ठे किसने लिखे थे? बाल मुकुंद गुप्त ने। 10 अप्रैल 1919 को रोलर एक्ट के विरोध के लिए आ रहे गांधी जी को कहां गिरफ्तार किया गया? पलवल में। कब किया गया ये भी पूछ सकते हैं, 10 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल 1919 को पलवल में गिरफ्तार किया गया था, याद रखिए। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पंचकुला की मोरनी हिल्स में करो चोटी जो है वो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में स्थित है? ये है दक्षिणी भाग में। ओके, दमदमा झील किस जिले में है? तो दमदमा जो है वो है गुड़गांव में। हरियाणा की जलवायु कैसी है? अर्ध उष्ण। हरियाणा से होकर बहने वाली एकमात्र नित्यवाही नदी कौन सी है? यमुना नदी। खरीफ फसलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सावनी फसलें। मुर्रा भैंसों को किस नाम से पुकारते हैं? काला सोना। हरियाणा की दो प्रमुख नहरें कौन सी हैं? पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर। 1939 में स्थापित डालमिया सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में है? भिवानी में।
हरियाणा का कौन सा नगर पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है? यमुना नगर। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की इकाई हरियाणा में कहां स्थापित की गई? पानीपत में। हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का तेल शोधन कारखाना कहां 1980 में स्थापित किया गया था? बाहोली, पानीपत में। हरियाणा का कौन सा नगर तांबा और पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा रेवाड़ी। हरियाणा की नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 6 जून 2005 में। हरियाणा में दो आईटी पार्क कहां स्थापित किए गए हैं? पंचकुला और मानेसर गुड़गांव में। अगला देखिए, अरावली इंदिरा गांधी सुपर थर्मल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है? झज्जर में। राजीव गांधी थर्मल विद्युत परियोजना खेदड़ हिसार में। तो दोनों याद रखिए, इंदिरा गांधी वाली जो है अरावली वो है झज्जर में, और राजीव गांधी जो रिलेटेड है वो खेदड़ हिसार में। महात्मा गांधी थर्मल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित है? तो ये भी जो है वो झज्जर में है। ठीक है, अगला देखिए, हरियाणा का कौन सा नगर छोटी काशी कहलाता है? छोटी काशी कहा जाता है भिवानी को। 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 800 मीटर में स्वर्ण जीतने वाली हरियाणा की खिलाड़ी कौन थी? गीता जुत्सी। पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश शर देवीलाल कहाँ के रहने वाले थे? रेवाड़ी के। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1991 में। अगला देखिए, 1966 में बनी हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती शन्नो देवी। और आगे है, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कंवरपाल गुज्जर। हरियाणा विधानसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? संतोष यादव। 2014 में हरियाणा की कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए? 14वीं विधानसभा के। नेक्स्ट है, जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो आंसर है 54। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें किस वर्ष की गई? 1977 में। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 17। भूतेश्वर मंदिर कहां पर है? गुड़गांव में। भीमा देवी मंदिर है पिंजौर पंचकुला में। उत्तर भारत का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है? भीमा देवी का मंदिर जो पिंजौर में है उसे खजुराहो का मंदिर कहा जाता है उत्तर भारत का। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? बरगद के। कपाल मोचन तीर्थ किस जिले में है? तो आंसर है अंबाला में। माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला में। अगला है, शहीद सरोवर कहाँ स्थित है? शहीद सरोवर जो है वो है थानेश्वर में। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? नलहड़ मेवात में। माधोगढ़ का किला किस जिले में है? महेंद्रगढ़ में। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस वर्ष शुरू हुआ था? 1986 में। ढोसी की पहाड़ी जो चवन ऋषि से संबंधित है किस जिले में है? ढोसी की पहाड़ी जो है वो है महेंद्रगढ़ में, और किससे रिलेटेड है ये? चवन ऋषि से। अगला देखिए, लगातार दो एशियाई खेलों 1966 और 1970 के स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन हवा सिंह का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से। प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध हॉकी से है। हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग की नर्सरी कहलाता है? तो भिवानी को कहा जाता है बॉक्सिंग की नर्सरी। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? फतेहाबाद में। नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? रेवाड़ी में। सूरजकुंड 2016 का थीम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। ये 2016 का था। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर होशियार सिंह। हाल ही में हरियाणा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को बनाया गया था। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैनतापुरी है? तो ये है जींद का पुराना नाम है। हरियाणा के किस जिले में केवल दो विधानसभा क्षेत्र हैं? पंचकुला में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र हैं? हिसार में। फतेहाबाद शहर 1352 में किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। हरियाणा में किस स्थान पर प्रतिवर्ष आम उत्सव मनाया जाता है? आम उत्सव जो है कहाँ पर मनाया जाता है? ये देखिए, ये मनाया जाता है यादविंद्र उद्यान पिंजौर में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? यमुना नगर में। अंबाला में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई? 1843 में। सीही फरीदाबाद में जन्मे सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के। धमतान साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? जींद में। नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की थी? पानीपत में। भीमेश्वरी देवी का मेला हरियाणा के किस स्थान पर लगता है? बेरी झज्जर में। हरियाणा के किस नगर में 1591 ईस्वी में शाह कुली खान द्वारा बनाया गया जल महल है? नारनोल में। छड़ी नृत्य पुरुषों द्वारा कब किया जाता है? गोगा नवमी पर। अंबाला में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई? 1843 में। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख रुपए। मिनी क्यूबा के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आंसर है भिवानी।
देश का पहला कृत्रिम रबर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पानीपत में। ठीक है, तो ये थे हरियाणा से रिलेटेड 150 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।